और मुझे ऐसा लगता है कि सभी भाइयों को ये चीज पता भी होनी चाहिए जो इस बिजनेस में नए हैं, और पुराने लोग तो जानते ही होंगे, पुराने लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए भाई हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है ये चीज। आपको नई बाइक लेने की जरूरत नहीं है और मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए नई बाइक। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो नई बाइक थी वो सबके हाथों में, इतने सारे जब हाथों में चलेगी तो क्या है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी एक ही सीजन में। इसमें क्या है कि इसमें 100 सीसी तक की बाइक बस एनफ है, आप उसी 100 सीसी की बाइक को चलाते फिरिए जहां पर भी लेकर के जाना, क्योंकि इसमें बहुत कैजुअल तरीके से सभी लोग चलाते हैं और बहुत सारे लोगों के हाथों में रहती है, कभी कभी 3-3, 4-4 लोग भी बैठ करके जाते हैं, तो उससे क्या है कि वो आपकी नई बाइक भी बेकार हो जाएगी और वो एक तरह से पैसे की बर्बादी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी बातें होती हैं जो कोई भी नहीं बताएगा आपको, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर मैं बनाऊं। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी भाइयों को ये चीज पता भी होनी चाहिए जो इस बिजनेस में नए हैं, और पुराने लोग तो जानते ही होंगे, पुराने लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए भाई हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है ये चीज। तो दोस्तों जैसे हम नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करके लाते हैं तो उसे जब चलाने के लिए हमें पूरा एक सेटअप तैयार करना होता है, जैसे उसे चलाने के लिए स्टाफ करेंगे हम, मशीन को अपनी छांव में खड़ी करने के लिए उसका भी इंतजाम करेंगे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं इस तरह की। इन्हीं चीजों में एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है मोटरसाइकिल या बाइक। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में, क्योंकि आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाने में जितनी भी भागदौड़ करोगे वो मोटरसाइकिल से ही करोगे, तो मतलब आपके पास बाइक का होना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि नए नए तो इस बिजनेस में आते हैं वो, तो जब नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करके लाते हैं तो क्या करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ साथ वो बाइक भी नई परचेस करते हैं इसके साथ चलाने के लिए। तो दोस्तों मैं यहां यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए इस बिजनेस के लिए आपको नई बाइक लेने की जरूरत नहीं है और मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए नई बाइक, क्योंकि देखिए पहली बात तो अब कोई भी बाइक जो है वो लाख रुपए से कम की बाइक नहीं आ रही है, तो देखिए पहले से ही आपके ऊपर इतना बर्डन होता, आप अच्छे खासा अमाउंट इकट्ठा कर करके कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आते हो, फिर ऊपर से एक नई बाइक खरीदोगे लाख रुपए की, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी एंगल से ठीक है। अब होता क्या है, देखिए नई बाइक भी अगर आप लेकर के आ गए तो सिर्फ एक सीजन में ही आपकी बाइक पुरानी हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब ज्यादा भाग दौड़ होती है, जब कंबाइन हार्वेस्टर चलती है और ज्यादा भाग दौड़ होती है तो आपकी बाइक को जो है आपकी कंबाइन हार्वेस्टर का स्टाफ भी चलाएगा, और कभी कभी किसान भी चलाते हैं खेतों वाले के, लाइए भाई बाइक दीजिए मैं जरा वहां तक जा रहा हूं वहां तक जा रहा हूं, फिर आपकी बाइक जो है वो उबड़ खाबड़ रास्तों में चलती है, ऐसा तो नहीं है किसी प्लेन रोड पे चलती है, कभी कभी गड्ढों में, कभी किस तरह से धूल में, इस तरह से चलती है बाइक, और कभी कभी जो है वो डीजल भी जो है बाइक पे ही लेकर के आना पड़ जाता है केन में कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। फिर इन सब कामों में बाइक की सफाई और मेंटेनेंस कुछ होता ही नहीं, बस बाइक चलती रहती है रेगुलर उबड़ खाबड़ रास्तों में और बिल्कुल गंदी संदी हुई भी चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो नई बाइक थी वो सबके हाथों में, इतने सारे जब हाथों में चलेगी तो क्या है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी एक ही सीजन में, तो इससे अच्छा यह है कि आप एक सस्ती सी पुरानी बाइक ले लो, जरूरी नहीं है दिखने में वो अच्छी हो, बस यह है कि उसका इंजन सही हो, टायर सही हो और लाइट सही हो, बस बाकी दिखने में कैसी भी हो बस चल रही हो, क्योंकि देखिए आपको कोई शोबाजी नहीं बनानी है, आपको अपना काम चलाना है इसमें। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बाइक है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बाइक है तो वो ये जरूर ध्यान रखें आप कि वो बाइक जो है बड़ी बाइक ना हो, क्योंकि बड़ी बाइक में क्या होगा वो एवरेज नहीं देगी, तो आप जब इतनी गाड़ी इतनी चलती है ना बाइक इस सीजन में तो फिर वो एवरेज में मतलब इतना पेट्रोल खा जाएगी आपको औसत ही नहीं आएगा, तो इसलिए बड़ी बाइक है तो उसे भी मत चलाना इस सीजन में। इसमें क्या है कि इसमें 100 सीसी तक की बाइक बस एनफ है, आप उसी 100 सीसी की बाइक को चलाते फिरिए जहां पर भी लेकर के जाना है। तो दोस्तों फाइनली कहने का मतलब यह है कि देखिए पुरानी बाइक से ही काम चलाते रहो, इसमें नई के चक्कर में मत पड़ना। इसमें कभी आप ये सोच रहे हो, देखिए आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि आपने सोचा कि नहीं नई ले आऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खराब नहीं होगी और अच्छे से चलती रहेगी, लेकिन एक बात सुनिए, आप जब नई लाख रुपए की बाइक लेकर के आएंगे तो उसमें नुकसान कितना होगा आपका, वो बाइक जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगी और उसकी रिसेल वैल्यू भी घट जाएगी, प्लस
उसकी कंडीशन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत कैजुअल तरीके से सभी लोग चलाते हैं और बहुत सारे लोगों के हाथों में रहती है, कभी कभी तीन तीन चार चार लोग भी बैठ करके जाते हैं, तो उससे क्या है कि वो आपकी नई बाइक भी बेकार हो जाएगी और वो एक तरह से पैसे की बर्बादी है, मेरा तो यही मानना है। बाकी आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।